देखिए यहाँ पे एक दे रखा है ना कि हमें रूट है 1 2 3, ठीक है, तो रूट 1 2 3 है सर, 1 2 3, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इस रूट को चेक करें तो पूरा रूट है, देखिए ये हमारे पास टोटल क्या निकालेगा 6, और इससे ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है सम। तो कैसे आया ये देखिए, 2 1 3, इनको ऐड कर दिया इसलिए 6 आया। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, ये वाला से करेंगे तो ठीक है। हमारे पास है -10, ठीक है, 9 20 15 और 7, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके 9 के लेफ्ट और राइट जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नल होगा, ये भी नल होगा, इसके लेफ्ट राइट में भी नल होगा, नल होगा, ठीक है, इसके भी लेफ्ट और राइट में नल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैक्स लेंगे जो कि 0 होगा, ठीक है। मैक्स सम हमें निकालना, देखिए इनका 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 सम, या फिर इसका 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 सम, कुछ ऐसा सम जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, ठीक है। और हम यहाँ पर DFS करने वाले हैं, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा लेफ्ट में जाएंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे गए तो देखिए नल है, तो नल क्या करेगा, नल हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, नल हमें 0 देगा। कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे बेस केस बना लेंगे कि अगर हमारे पास नोड जो है वो नल है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। उसका सेम यहाँ पे इधर से भी रिटर्न 0 कर लेंगे, तब क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड और रूट और राइट साइड, ठीक है। तो अभी देखिए मैक्स से क्या ज़्यादा आ रहा है, हाँ मैक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो बस चेंज कर दीजिए, ठीक है, मैक्स के अभी ये 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ से अब इसके ऊपर जाएंगे तो एक ये वैलिड पाथ है और एक ये वैलिड पाथ है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वैलिड पाथ है, हम तीन दोनों का अलग अलग सम करना पड़ेगा, देखिए कैसे। तो अब लेफ्ट और राइट में से आप एक मैक्सिमम दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालना है। तो देखिए अब ये वाले वैलिड पाथ पे जाएं या फिर ये वाले वैलिड पाथ पे जाएं, आपको उधर मैक्सिमम निकालना है ना। तो आप क्या कीजिए कि इनमें से लेफ्ट और राइट में जो मैक्सिमम है उसको लीजिए, ठीक है, 0 ले लेते हैं कहीं से भी, आप यहाँ से 9 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो क्योंकि DFS कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड जाते हैं, सबसे नीचे जाते हैं लेफ्ट में, देखिए यहाँ से नल आ रहा है हमें, तो यहाँ से हम 0 करते हैं रिटर्न, ठीक है, यहाँ से नल आ रहा है, यहाँ से 0 रिटर्न कीजिए, यहाँ 15 है, तो 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया, 15 आ गया। तो टोटल जो 15 आ रहा है उसको मैक्स से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स को चेंज करके 15 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट या राइट में कौन से पड़ा है, तो 0 ही दोनों है, यहाँ से 15 रिटर्न होकर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा 20 है। अब इधर से सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे जाते हैं, ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है, ये 0 दे रहा है, ये भी 0 रिटर्न कर रहा है, तीनों को ऐड करते हैं 7 आया, 7 15 से मैक्स नहीं है, 7 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट और राइट में से एक सबसे ज़्यादा ग्रेटर ले लेते हैं, और सबसे ग्रेटर तो 0 ही है, और उसके बाद 7, ठीक है, तो 7 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या आया, 7 आया, यहाँ से क्या आया, 15 आया, यहाँ पे क्या है, 20, तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ ये, कितना हुआ ये, 15 प्लस 20 प्लस 7 42 हो गया, ठीक है। 42 क्या मैक्स ज़्यादा है, हाँ मैक्स ज़्यादा, तो यहाँ पे मैक्सिमम 42 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, पूरा 42 रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है, 42 रिटर्न होके आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से 49 है, यहाँ से 42 रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है, इस तरफ लिखते हैं, 42 ऐसे रहेगा, 42 रिटर्न होके आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 42 आ रहा है, यहाँ -10 है, ठीक है। अगर इसको प्लस भी करें तो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 41। तो ये मैक्स हमारे पास आ चुका है 42, ठीक है, इसलिए हमारे पास 42 मैक्स आया। ये है ऑप्टिमल पाथ वाला सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से करेंगे इसके प्रॉब्लम को, करते हैं कोड, करते हैं, इजी है कोड करना इसका। पहले हम क्या करते हैं, लेट मैक्स ले लेते हैं, और मैक्स के अंदर एक वैल्यू डाल देते हैं जो कि इससे बड़ी कोई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, -20 से बड़ी कोई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप एक फंक्शन डाल लेते हैं जो कि रिकर्शन में चल रहा होगा, DFS लेफ्ट फर्स्ट सर्च, और यहाँ पे रूट पास कर देंगे, ऐसे DFS काम करता है वैसे काम करेगा, सबसे लेफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट बना लेते हैं कि अभी तक ना बेस केस होगा, अगर रूट नल होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है, तो बेस केस हो गया। उसी चीज़ क्या, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, अगर लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, कहते हैं मैथ डॉट मैक्स कर दो, लेफ्ट कैसे जाता है, सबसे ज़्यादा DFS में हम लोग रूट डॉट लेफ्ट करते रहते हैं, और लेफ्ट से जाता है, ठीक है। और अगर हमें राइट जाना है तो लेफ्ट, ठीक है, राइट के लिए हम क्या करते हैं, DFS में मैथ डॉट DFS में रूट डॉट राइट करने पे ये राइट जाता है ज़्यादा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो लेट
करंट मैक्स ले लेते हैं, करंट मैक्स क्या होगा, एक करंट मैक्स होगा लेफ्ट प्लस डॉट वैल प्लस राइट, ठीक है। और इसके बाद डी एफ एस कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे डी एफ एस कॉल कर लेते हैं और यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं मैक्स जो जो आ रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैक्स कहाँ है, मैक्स तो मैक्स क्या होगा, देखिए मैक्स के लिए हम क्या कर देते हैं, मैक्स हमारा वो होगा जो मैथ डॉट मैक्स से आएगा कर्ल मैक्स, मैथ डॉट मैक्स कर्ल मैक्स कॉमा करंट मैक्स कॉमा मैक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं डॉट वैल प्लस, क्या रिटर्न करना होगा रूट डॉट वैल में से क्या प्लस करना पड़ेगा हमें, रूट डॉट वैल में हमें प्लस करना पड़ेगा जो लेफ्ट और राइट में बड़ा होगा, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स से करेंगे लेफ्ट और राइट में जो बड़ा होगा उसको चूज करके रूट लेफ्ट से हमें रूट डॉट वैल्यू से प्लस करना है, ठीक है। करते हैं इसको रन, ठीक है, देखिए काम कर रहा है हमारे पास, हाँ सबमिट कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए चीज़ लिखा है रॉन्ग आंसर, मतलब टू में से माइनस वन अगर ऐड किया तो हमारा वन आ रहा है ऐसा जो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू एक्सपेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू में हम जीरो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो मैट डॉट मैक्स में हमेशा देखते रहेंगे कि जीरो, ठीक है, जीरो या फिर ये, तो इससे क्या होगा नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं और यहाँ पे भी कर लेते हैं मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, जीरो कॉमा इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको रन कर, अब देखिए सही काम कर रहा है, ठीक है, सबमिट कर सकते हैं।